वेलकम बैक टू पुलकित पाए। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में टर्टल्स की रेस कराने वाले हैं। तो एक बार आप लोग को दिखा देता हूं कि हम लोग पाइथन में करने क्या वाले हैं। मैं एक बार प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग एक रेस ट्रैक क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोगों ने 15 लाइन्स दी है और 8 इसकी जो हमारी है स्लैशेज है। उसके बाद हम लोग 4 टर्टल्स ऐड करेंगे इसमें अलग अलग कलर के, और ये टर्टल्स रैंडम स्पीड से रन करेंगे। सो ये डिपेंड करता है पाइथन में हम लोग रैंडम मॉड्यूल को यूज करके इनकी स्पीड डिफाइन करिए। सो इस तरह से हम लोग ये प्रोग्राम क्रिएट करने वाला है आज पाइथन में। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, हम लोग आगे अपने पर कोड स्क्रीन पर, और सबसे पहले हम लोग एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेना है टर्टल नाम का। तो टर्टल इंपोर्ट करने के लिए आप लोग अपने कोड स्क्रीन पर जाना है और PIP3 इंस्टॉल टर्टल लिख लेना है, या अगर आप लोग विंडो यूज कर रहे हो तो आप लोग सिंपल सा PIP इंस्टॉल टर्टल लिख कर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप लोग मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप लोग अपने कोड स्क्रीन पर जाना है और इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के लिए तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम टर्टल इम्पोर्ट एस्ट्रिक। फ्रॉम टर्टल इम्पोर्ट एस्ट्रिक का मतलब है कि टर्टल में जितने हमारे क्लासेज होंगे, वेरिएबल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, जितना भी कुछ होंगे वो सब हमने अपने इस प्रोग्राम में इम्पोर्ट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सिर्फ टर्टल की नहीं, किसी भी मॉड्यूल के हम लोग फंक्शन, क्लासेज, वेरिएबल इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसको कन्फिग करते हैं। हम लोग लिखते हैं स्पीड हम लोग दे देते हैं 0। 0 का मतलब है जो उसकी एटमैक्स स्पीड होगी पेन की जो ड्रॉ करने की, वो हम लोग इसमें टाइप कर देते हैं, वो हम लोग इसको दे देते हैं। तो एक हम लोग मॉड्यूल अपना जो पैन होगा वो इनिशियलाइज करते हैं पैन अप ने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं गो टू फंक्शन होगा हमारा, हम लोग कहाँ से अपनी ड्राइंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैंने दे दिया 140 और 140 से। अब जो हमारा सबसे पहला काम आएगा वो आएगा हमको लोग अपना रेस ट्रैक डिजाइन करना है। तो रेस ट्रैक डिजाइन करने के लिए हम लोग लिखते हैं फ्रॉम स्टेप इन रेंज 15 हमने दी कि हमारे कितनी लाइन्स होगी वो हम लोगों ने इसमें डिफाइन कर दी 15। तो अब हम लोग लिखते हैं राइट स्टेप STEP राइट स्टेप अलाइन सेंटर सेंटर हम लोग को सिंगल कोट में पास कर देना है। ये होगा, ये जो हमारे जितने भी लाइन्स होगी उसमें एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करता रहेगा, सॉरी एक एक नाम डिक्लेयर करता रहेगा, यानी कि हमारा ट्रैक 0 है, ये ट्रैक 1 है, ये ट्रैक 2 है, ये ट्रैक 3 है। उसके बाद हम लोग राइट करते हैं राइट 90 के बाद फोर नम इन रेंज 8 यानी कि उसकी जो हमारी ट्रैक होगी उसकी हाइट कितनी होगी, हम लोगों ने उसमें हाइट दी थी 8। तो अब हम लोग लिखते हैं पैन अप फॉरवर्ड 10 के बाद फिर हम लोग लिखते हैं पैन डाउन के बाद फिर हम लोग लिखते हैं फॉरवर्ड 10। उसके बाद हम लोग पैन अप बैकवर्ड टू 160, यानी कि जो हमारी इनिशियलाइज वैल्यू होगी, ये पूरा अपना एक डिक्लेयर करने के बाद वो दोबारा उस पर चल बैकवर्ड पर चला जाएगा। अभी हम लोग दिखाएंगे कि कैसे हम लोग का ट्रैक डिजाइन करेंगे। फॉरवर्ड 20, तो ये हमारा ट्रैक डिजाइन हो गया। एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं python3pulkit.py। आप लोग देख सकते हैं 0 1 2 3 4, अब ये हो गया हमारा पूरा 14 तक हमारा ट्रैक डिजाइन हो गया। अब हम लोग को स्टॉप करने के लिए भी कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं स्टॉप इज इक्वल्स टू इनपुट इनपुट हम लोगों ने इसलिए दिया क्योंकि जब तक हम लोग इनपुट नहीं देंगे तो हमारा टर्टल प्रोग्राम बंद नहीं होगा। उसमें देखिए जो हमारे यहाँ तक की, तो इसने हमारा ये चल गया प्रोग्राम, यहाँ तक प्रोग्राम चलने के बाद जो हमारा पैन अप हुआ, यानी कि जो पैन की डायरेक्शन थी वो हमारी अप की साइड हुई, और उसने हमारा बैकवर्ड ले लिया 160, यानी कि बैकवर्ड 160 वो हमारा टॉप पैक है 0 पर। उसके बाद उसने हमारा लेफ्ट 90 लिया, और उसके बाद फॉरवर्ड 20 के बाद वो दोबारा फिर उसने हमारा ट्रैक टू डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारा ट्रैक टू डिजाइन हो गया। अब हमारे प्लेयर्स का है, हम लोग अपने प्लेयर्स भी इसमें इंपोर्ट करने होंगे, बनाने पड़ेंगे जो हमारे रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं PLAYER प्लेयर _1 TURTU टर्टल। सो टर्टल हमारा इसमें हो गया एक प्लेयर। सो इसको थोड़ा सा हम लोग कलर वगैरह देते हैं
प्लेयर वन डॉट कलर, इसको हम लोग कलर देते हैं रेड, आरईडी रेड। प्लेयर वन डॉट शेप, शेप पे हम लोग इसको टर्टल की शेप दे देते हैं। आप लोग कोई से भी देख सकते हैं, इसकी जो मैनुअल होगा उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन सी शेप हम लोग यूज करेंगे। प्लेयर वन डॉट पैन अप, पैन अप। प्लेयर वन डॉट गो टू माइनस 160 160। अगेन प्लेयर वन डॉट गो टू, सॉरी प्लेयर वन डॉट, हम लोग को पैन डाउन, पैन डाउन। अब थोड़ी सी इसमें अगर हम लोग एनिमेशन ऐड करें, हम लोग को अपना जो भी एक बार हम लोग प्ले दिखाए थे हमारा कैसा आएगा। सो ये हमारा इसमें ट्रैक डिजाइन हो गया, ट्रैक डिजाइन होने के बाद एक हमारा प्लेयर आएगा। हम लोग चाहते हैं जो हमारा प्लेयर हो वो 360 रोटेट हो, ठीक है। अभी देखिए प्लेयर हमारा कहाँ पे आ गया, बट हम लोग को चाहिए कि जो हमारा प्लेयर है वो 360 रोटेट होगा। हम लोगों ने एक छोटी सी गलती और करी, उसको हम लोग सही कर देते हैं। हम लोग को यहाँ पर 100 लिखना होगा, 100 उसकी जो हमारी हाइट होगी वो हाइट पे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ फ्रॉम टर्न इन रेंज, रेंज हम लोग दे देते हैं 10। प्लेयर डॉट राइट, आर आई जी एस टी, प्लेयर डॉट राइट, राइट में हम लोग दे देते हैं 36, यानी कि 36 इंटू 10 कितना हो गया हमारा 360। सो अब हम लोग, तो ये हमारा प्लेयर वन डिक्लेयर हो गया, तो हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं बार बार। प्लेयर टू, प्लेयर थ्री और प्लेयर फोर। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसमें, ये हो गया हमारा प्लेयर टू, इनकी अभी हम लोग वैल्यू चेंज कर देंगे। क्या हम लोग कैसे करना है, ये तो हमारा सॉरी प्लेयर थ्री हो गया, ये हमारा प्लेयर थ्री, ये भी हमारा प्लेयर थ्री, ये हमारा प्लेयर फोर। सो हमने इन प्लेयर फोर का अभी तक कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट किया नहीं, बट हम लोगों ने फंक्शन यूज करने स्टार्ट कर दिए। प्लेयर हमारा टू, थोड़ा कॉपी पेस्ट में हमारे दिक्कत हो जाती है। प्लेयर फोर, ओके। तो ये तो हमारे हो गए प्लेयर। अब हम लोग को इनकी वैल्यू भी पास करनी है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और कौन सा प्लेयर कहाँ पे झुकेगा। तो ये तो हम लोग उससे थोड़ा सा नीचे देते हैं 70, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसकी जो रोटेशन होगी 72 into 5, सबकी हम लोग एक जैसी नहीं रख सकते, तो इसलिए हम लोगों ने सबकी रोटेशन अलग अलग दे दी। 60 into 6 60 into 6। अब जो हमारा लास्ट वाला होगा उसको हम लोग ला देते हैं 10 पर, और इसकी हम लोग दे देते हैं 30 into 12। तो एक बार आप लोग अपने प्लेयर देख लेते हैं, कोई प्रोग्राम में एरर तो नहीं है, कि मैं सारे प्लेयर सही से एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। तो ये हमारे ट्रैक डिजाइन हो गया, ट्रैक डिजाइन के बाद अब हमारे प्लेयर्स आके देखे रोटेट कर रहे हैं, बट हम लोगों ने प्लेयर को कलर नहीं दिए, हम लोग को उसमें कलर चेंज करना होगा। और प्लेयर ओके, सो हम लोगों ने लास्ट वाले में नाम नहीं चेंज करा, हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, और इसमें हम लोग अलग अलग कलर दे देते हैं। तो इसको हम लोग दे देते हैं ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। और इसके ऊपर वाले को हम लोग दे देते हैं ब्लू, बी एल यू ई, ब्लू। और इसको हम लोग दे देते हैं ग्रीन, जी आर डबल ई एन, ग्रीन। प्रोग्राम को सेव करते हैं। अब डिपेंड करते हैं हमारी रेस, जो हमारी मेन रेस होगी वो कैसे होगी। तो अब हम लोग को रेस करने के लिए फॉर लूप क्रिएट करते हैं, फॉर टर्न इन रेंज 100, इन रेंज 100। अब प्लेयर वन डॉट फॉरवर्ड, ये प्लेयर वन आप लोग आगे चलो, लेकिन आगे किस स्पीड पर चलो। स्पीड पर चलाने के लिए हम लोग को एक रैंडम स्पीड चाहिए होगी, तो हम लोग एक मॉड्यूल और इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम एफ आर ओ एम, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड इंट।
रैंडिट एक हमारा फंक्शन होगा जो हम लोग एक रैंडम नंबर डिक्लेयर कर, रैंडम नंबर इनिशियलाइज कर देगा। तो इसमें हम लोग देते हैं रैंड इंट 1 to 5। अब भैया हर प्लेयर की अपना लक होगा कि वो किस स्पीड पे आगे रन करता है। हमने उसमें वैल्यू भी दे दी कि वो उसकी जो स्पीड होगी वो 5 से ज़्यादा, 1 to 5 नहीं होनी चाहिए, यानी कोई प्लेयर की वैल्यू होगी वो 1 से 5 के बीच में ही रहेगी। तो हम लोग इसको दे देते हैं प्लेयर 2। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं प्लेयर 3 एंड प्लेयर 4। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम तैयार। इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं क्या हमारा सब कुछ सही रन भी होता है या नहीं। तो अभी हमारा ट्रैक डिज़ाइन हो गया। ट्रैक डिज़ाइन होने के बाद हमारे टर्टल्स आ गए हैं, ग्रीन कलर का आ गया, ब्लू कलर का आ गया और लास्ट ऑरेंज कलर का भी हमारा आ गया। अभी ओके, सो अब ये देखते हैं ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। सारे सही गए, हमारा येलो वाला गलत डायरेक्शन में चला गया। तो हम लोग दोबारा से एक बार अपनी कोड की तरफ देखते कि येलो हमारा क्यों गलत गया। ओके, सो हम लोग इसको दे देते हैं 12। तो बंद करते हैं एक बार दोबारा, रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पर सही रहता है या कुछ गलत दोबारा से आएगी। और इस बार हमारे बिल्कुल सही हुआ, सारे के सारे प्लेयर एक्यूरेट वे में हमारे रन कर गए और हमारा जो जीत गए वो येलो जी। इस बार तुम्हारा येलो जीता। इस बार हम देखते हैं हमारा कौन सा प्लेयर रन, इस बार कौन सा प्लेयर जीतता है। तो दोबारा से लोगों का ट्रैक डिजाइन हो गया और टर्टल्स हमारे आने ही वाले हैं। टर्टल्स आ चुके और ये दोबारा से टर्टल्स हमारे रोटेट हो रहे हैं एनिमेशन में और ये दोबारा से रन हो गए। तो आई थिंक इस बार ग्रीन यस, इस बार जो हमारी रेस थी वो ग्रीन जीत गए। सो आई होप गाइस ये प्रोग्राम आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये पूरा का पूरा कोड आप लोग ट्राई कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो कि देखियो मैंने अपने पाइथन की स्किल से एक टर्टल की रेसिंग, एक टर्टल का रेसिंग ट्रैक क्रिएट करा और उस पर रेस कराई। सो बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू।